नमस्कार दोस्तों, गेटेड झील के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी प्लेसमेंट सीजन है और मिठाइयों की बरसात है। आज मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ पिंकी राठौर से। पिंकी राठौर फाइनल ईयर में है IIIT इलाहाबाद में और प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद में प्लेसमेंट के बाद में मिलने आई है। पिंकी ने GSITS से अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया था। पिंकी से थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा मालूम करते हैं। पिंकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं पिंकी, किस तरह की जर्नी रही, क्या रहा, आप किस तरह का मतलब कॉलेज में, क्या यहाँ पर ग्रेजुएशन के टाइम पे किस तरह का माहौल था, फिर आप IIIT हैदराबाद IIIT इलाहाबाद में किस तरह का माहौल है। शायद आपको कॉलेज जाने का मौका तो नहीं मिल पाया, लेकिन ठीक है, इवन देन उसके बाद में किस तरह से ग्रूमिंग IIIT हैदराबाद IIIT इलाहाबाद ने आपकी की है, बताएं थोड़ा सा। हेलो, आई एम पिंकी राठौर। आई कम्प्लीटेड माई BTEC फ्रॉम SGSITS एंड आई करंटली डूइंग मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम IIIT इलाहाबाद। एंड रिसेंटली आई गॉट प्लेस्ड इन क्रेडिट बी कंपनी। बेसिकली SGSITS से लाइक इट इज़ अ 3-tier कॉलेज एंड मैं अभी Tier 1 कॉलेज में हूँ और गेट की जनरी में लाइक इन झील मुझे बहुत हेल्प मिली। लाइक टीचर्स जयश्री मैम एंड सर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, इनकरेज किया कि मतलब मोटिवेशन एंड इनकरेज किया गेट के लिए। और मैं फिर मतलब गेट में एक स्कूल लेकर और IIIT इलाहाबाद लिया। एंड IIIT इलाहाबाद आप जब लेते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइक प्लेसमेंट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी कमी नहीं है वहाँ पर आपको। मतलब मिनिमम पैकेज और मैक्सिमम पैकेज मतलब आपका ऑन एन एवरेज 14-18 lakh के बीच में ही रहता है। सो मतलब आप कभी IIIT इलाहाबाद लेना चाहते हो सो आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कोई भी कमी नहीं। अच्छा, कितनी कंपनियाँ करीब करीब की है या कितने इंटरव्यू तुमने दिए और कितनी कंपनियाँ आई, थोड़ा सा एक आइडिया दें। लाइक मैंने रिटर्न क्लियर लाइक मैं मतलब 30-35 कंपनीज में बैठी और लाइक मैंने इंटरव्यू 3-4 दिए और जिसमें से 4th इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुई। और कितनी कंपनियां आती हैं? लाइक कंपनीज मतलब 120 के आसपास कंपनी आती ही है। अच्छा, प्लेसमेंट सीजन तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पर है ना, तो अभी भी कंपनियां लगातार। यस सर, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है IIIT इलाहाबाद में कि आपकी कंपनीज कभी भी आना बंद नहीं होती है। लाइक आपको है ना लास्ट मतलब आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होने तक आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है प्लेसमेंट्स की, क्योंकि वहाँ पर कंपनी है ना लास्ट जून तक आती है। लाइक एक साल पूरा चलती है। मतलब अभी जून में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्लेसमेंट की, इफ कभी कोई प्लेस नहीं होता है तो वो जून तक भी हो सकता है। मतलब उसको आपको ये नहीं है कि आप मतलब ऐसा फील करोगे कि आपका प्लेसमेंट हो गई नहीं, कहीं ना कहीं आप प्लेस्ड हो ही जाओगे। अच्छा, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मतलब ऐसा रहेगा कि बच्चे क्योंकि बोलते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चे ये बोलते हैं कि झील में जो बनाए हुए नोट्स हैं वही नोट्स पढ़ के हम वहाँ पर इंटरव्यू के लिए पढ़ते हैं और साथ में कोडिंग की प्रैक्टिस, तो इन दो चीज़ों में काम हो जाता है। IIIT इलाहाबाद से जो पढ़ा था वो काम आता है इंटरव्यूज देने में, या यहाँ का पढ़ा हुआ काम आता है। मतलब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मतलब प्लेसमेंट में झील के नोट्स किस तरह से हेल्प करते हैं वो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि दूसरे बच्चे हमको बाहर के बताते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा। मतलब मुझे प्लेसमेंट्स में झील के नोट से ही प्रॉफिट हुआ है। लाइक मैंने यहाँ से मतलब सारे सब्जेक्ट जो पढ़े थे तो मुझे OS और DBMS वापस से रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मतलब मेरे को प्लेसमेंट में मतलब मैम के नोट्स मैंने पढ़े सिर्फ, और उसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सारे मतलब वही के वही क्वेश्चंस रहते हैं जो मैम पढ़ाती है ना, वही के वही रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या पढ़ाते हैं? इसके अलावा सिर्फ कोडिंग प्रैक्टिस, इसके अलावा और कुछ, हाँ, और एप्टीट्यूड, इसके अलावा और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की है फर्दर कि आपको कुछ और चीज़ें सीखनी चाहिए। बाकी आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट्स तो रहते ही हैं, उस पर तो आपने काम किया ही है, तो सिर्फ यहाँ के नोट्स और आपकी कोडिंग प्रैक्टिस। तो मैंने प्लेसमेंट के लिए 3 चीज़ें बताई थी, एक एप्टीट्यूड, दूसरा कोडिंग प्रैक्टिस और तीसरा झील के नोट्स।
ज़ील के नोट्स, केवल आपको ये करना है गेटर ज़ील की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वो नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लीजिए और आपका आपके नोट्स तैयार। तो और ये फ्री, बिल्कुल फ्री है। तो आपकी आपके प्लेसमेंट जर्नी में सहायक तीन चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती हैं, जस्ट डाउनलोड गेटर ज़ील। कुछ और बोलना चाहोगे पिंकी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब जो भी लाइक टायर थ्री कॉलेजेस में हैं एंड ये मतलब चाहते हैं कि हम लोग अच्छी कंपनी ले सकें, तो पहले तो उन लोगों को गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और गेट की प्रिपरेशन करके लाइक गेट क्लियर कर ही लेंगे तो कॉलेज तो अच्छा मिल ही जाएगा। उसके बाद लाइक ट्रिपल आई टी इलाहाबाद भी बहुत अच्छा कॉलेज है, तो आप वहाँ से अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। पिंकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह तरक्की करते रहें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।